एक सुनसान जंगल में चट्टानी पहाड़ों पर सफेद एवं पीले विशालकाय पत्थरों से निर्मित एक रहस्यमय मंदिर का अद्भुत दृश्य। दोस्तों, ना ही ये जयपुर है और ना ही राजस्थान का कोई किला, ये है मंदिर के बाहर का पुरातत्व सर्वेक्षण का सूचना पट। मंदिर के इतिहास का विवरण करता हुआ जिसके अनुसार झांसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा में स्थित श्री लक्ष्मी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 400 वर्ष पूर्व किया गया था। क्या सच में यह मंदिर इतना प्राचीन है? क्या कारण रहा होगा इस मंदिर को बनवाने का? आइए जानते हैं इस प्राचीन मंदिर के रहस्य को। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? मंदिर का निर्माण 1622 ईस्वी में वीर सिंह जूते बुंदेला जी द्वारा कराया गया था। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मंदिर में 17वीं व 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। इस मंदिर से जुड़ी कथा इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि राजा के देवी लक्ष्मी के प्रति भक्ति दिखाने और अपने राज्य की समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए यह मंदिर बनवाया गया था, तथा अपने राज्य को धन धान से भरपूर रखने और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर को बाहर से हर ओर से देखने पर यह मंदिर त्रिकोणाकार श्री यंत्र के आधार व उल्लू की चोंच के प्रवेश द्वार वाला यह मंदिर मंत्र शक्ति को जागृत करने के लिहाज से तैयार कराया गया था। इस मंदिर की सबसे अहम बात यह है कि माता लक्ष्मी को समर्पित इस मंदिर का गर्भगृह खाली है। यहाँ की प्रतिमा 39 साल पहले चोरी हो गई थी। मंदिर में माता की प्रतिमा ना होने के बावजूद यहाँ पूजा पाठ की जाती है। धनतेरस से दिवाली तक हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि दिवाली की रात मंदिर व परिसर में दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। यह मंदिर उल्लू की चोंच के आकार के प्रवेश द्वार के आधार पर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ तंत्र शास्त्र की पूजा हो सके और श्री यंत्र व माता लक्ष्मी की श्री विद्या को जागृत किया जा सके। लेकिन पुरातत्व महत्व के इस मंदिर और यहाँ विराजमान माता लक्ष्मी व भगवान श्री नारायण की प्रतिमा को 1983 में रात के अंधेरे में चोरी कर लिया गया था। आज तक प्रतिमा चोरी करने वाले गिरोह का पता नहीं चल सका। इस कारण मंदिर का गर्भगृह खाली है। यह मंदिर ओरछा आए हुए यात्रियों को आकर्षित करेगा। अगर इतिहास में आपकी रुचि है तो निश्चय ही यह वीडियो आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। हर दुर्लभ चीज को संरक्षित करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना यह जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही दूसरों के साथ साझा भी करें ताकि ऐसे स्थानों के बारे में बड़ी मात्रा में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, जो अपने भीतर हजारों वर्ष का इतिहास समेटे काल के प्रहार से नष्ट होते जा रहे हैं। अगर आप झांसी से ओरछा के आसपास रहते हैं तो समय निकालकर इस भ्रमण का आनंद अवश्य करें। मैं हूं आपका अपना अजय झांसी ब्लॉगर, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा।